पंजाबी शादी की पार्टी में डीजे वाले ने पूछा, कब तक बजाना है? सरदार जी बोले, 8-10 पैक तक बजा लो, उसके बाद तो ये सब जनरेटर की आवाज पर भी नाच लेंगे अपने आप ही। लो 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 लो। टीचर, इतने दिन से कहाँ थे लड़का? ब्लड फ्लू हुआ था टीचर, पर ये तो ब्लड को होता है लड़का। आपने मुझे इंसान समझा ही कहाँ है, रोज तो मुर्गा बना देती हो। दो दोस्त सालों के बाद मिले, पता चला दोनों की शादी भी हो गई है। पहला दोस्त बोला, कैसी है तुम्हारी वाइफ? दूसरा दोस्त बोला, सर्व की अप्सरा है, और तेरी वाली? पहला दोस्त बोला, मेरी तो अभी जिंदा है भाई। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर अपने घर आई, तभी पति ने पत्नी से रोमांटिक अंदाज में कहा, नाच बसंती नाच। तभी उनका छोटा बच्चा बोला, नहीं मम्मी, इस कुत्ते के सामने मत नाचना। टीचर ने गधे के सामने एक दारू की और एक पानी की बाल्टी रखी, गधा पानी पी गया। टीचर ने पूछा, तुमने इससे क्या सीखा है? स्टूडेंट ने कहा, जो दारू नहीं पीता वह गधा होता है मास्टर जी। आदमी, सर मेरी वाइफ गुम हो गई है। पोस्टमैन, यह पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। आदमी, ओहो सॉरी, साला खुशी के मारे कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा, नालायक तुमने अपनी मम्मी से ऊंची आवाज में बात क्यों की? बेटा, मुझे पता है पापा, आपको जलन हो रही है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। रद्दी खरीदने वाला, साहब पुराने कपड़े पेपर बर्तन हो तो दे दीजिए। संता, अभी जाओ, मैम साहब नहीं है, मायके गई है। रद्दी वाला पूरे विश्वास से, तो फिर खाली बोतल ही दे दीजिए साहब। संता ट्रेन में सफर कर रहा था तो टिकट चेकर आ गया। टिकट चेकर, टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। संता, यह लीजिए टिकट चेकर। अरे यह तो पुरानी टिकट है। संता, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे ट्रेन आप अभी अभी शोरूम से लेकर ही आए हो। प्रीतो, मायके से फोन पर, क्या तुम मुझे याद करते हो बंता? याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में टॉप ना कर जाता मैं। बंता, यार ये व्हाट्सएप का सबसे बड़ा फायदा क्या है? संता, ओ यार इसका सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत सारी औरतें आपस में बात करती हैं लेकिन फिर भी आवाज ही नहीं होती है। लो 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 लो।